सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो इस चैनल पे मैंने ओटीटी प्ले की पहले भी वीडियोस बनाई हैं एंड मैं खुद भी ओटीटी प्ले को यूज़ करता हूँ, बट रिसेंटली इन्होंने अपनी ऐप में दो चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहला, इन्होंने कुछ ओटीटी ऐप्स ऐड की हैं एंड सेकंड, इन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन का प्राइस इंक्रीज किया है। सो इस वीडियो में यही देखेंगे कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, कौन कौन सी ओटीटी ऐप्स नई इंट्रोड्यूस हुई हैं एंड ये आखिरकार प्राइस हाइक किया क्यों इन्होंने, वो भी देखेंगे। एंड लास्ट में अपना एक कंक्लूजन दूंगा कि क्या ये अभी भी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या आपको भी बाय करना चाहिए एंड करना चाहिए तो कौन सा पैक बाय करना चाहिए। सो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता ये ओटीटी प्ले ऐप काम कैसे करती है, क्या करती है, तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया उसमें कि मुझे ऐप कैसी लगी, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इसके फायदे हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हो, आई बटन में भी आ रही होगी। बट अगर आपको शॉर्ट में ही जानना है ये ऐप क्या करती है, तो ये आपको देती है बंडल सब्सक्रिप्शन और ओटीटी ऐप्स के। मान लो आपको एक इनका पैक बाय करना पड़ेगा, उसमें आपको 15 ओटीटी ऐप्स मिल जाएंगी। अब आप बोलोगे कि मैं ओटीटी ऐप्स अलग से भी बाय कर सकता हूं, मैं इनके बंडल सब्सक्रिप्शन से ही क्यों लूं, क्योंकि इनसे आपको ओटीटी ऐप सस्ती पड़ती है, इसलिए यहाँ पे इनसे लेना है बेनिफिशियल पड़ता है। अब कितनी सस्ती पड़ती है वो तो इनके प्लान्स में देखकर पता चलेगा। सो अब इस ऐप के चेंजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला चेंज है, इन्होंने दो ओटीटी ऐप्स को ऐड किया है, सबसे पहला पीटीसी प्ले एंड सेकंड डॉलीवुड। अब यहाँ पे मैं पहले से कमेंट्स को इमेजिन कर सकता हूँ, लोग बोलेंगे कि इन्हें कोई नहीं देखता तो ये क्यों ऐड कर दिए। अब जो ओटीटी प्ले वाले हैं ये रीजनल कंटेंट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पीटीसी प्ले में आपको पंजाबी कंटेंट देखने को मिल जाएगा एंड डॉलीवुड में आपको साउथ इंडियन कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रीजनल कंटेंट को फोकस कर रहे हैं। मैं नहीं देखता, आप नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं देखता। अगर इन ओटीटी ऐप्स को कोई नहीं देखता तो ये कंपनीज कब की बंद जाती, लोग देखते हैं तभी ये चल रहे हैं, तभी कंटेंट बन रहा है। सो अगर आप इन दोनों ऐप से कंटेंट देखते थे तो आपके लिए अच्छी बात है, वरना ओटीटी प्ले में आपको और भी बहुत सारी ओटीटी ऐप्स मिल जाएंगी जो कि आपकी मतलब की होंगी। सो इनके सब्सक्रिप्शन को देखने से पहले यहाँ पे ये देखते हैं इन्होंने आखिरकार प्राइस हाइक किया क्यों है। तो सबसे पहला रीजन जो मैं सोच पाया प्राइस हाइक का, वो ये था कि आपके मोबाइल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपके रिचार्ज के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है ओवरऑल, तो इन्होंने भी उस हिसाब से अपना प्राइस हाइक कर दिया। सेकंड रीजन मैंने यहाँ पे ये देखा कि कुछ ओटीटी ऐप्स के प्राइस बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल Z5 में आपको जो पहले 699 पैक मिलता था 4K वाला, अब उसी Z5 में 4K क्वालिटी के लिए आपको 1499 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल ओटीटी ऐप्स का भी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो इन ओटीटी ऐप्स के प्राइस हाइक का इफेक्ट आपको ओटीटी प्ले में भी देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड रीजन तो ऑब्वियस है, इन्होंने 3 ओटीटी ऐप्स एक्स्ट्रा ऐड की है। अभी मैंने आपको 2 बताई, इससे कुछ महीने पहले इन्होंने प्लेफ्लिक्स को भी ऐड किया था, तो टोटल मिलाकर इन्होंने 3 ओटीटी ऐप्स को ऐड किया है। सो अब इनके सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ओटीटी ऐप्स आपको ये दे रहे हैं और कितना इन्होंने प्राइस इंक्रीज किया है। बट उससे पहले मैंने आपको एक बात बतानी थी, आपको डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड मिलेगा, उसे यूज करके आपको सारे इनके सब्सक्रिप्शंस में 10% ऑफ मिल जाएगा। सो कूपन कोड और इनकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब इनके ओवरऑल सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं, तो टोटल आपको 5 सब्सक्रिप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जो सबसे बड़ा प्लान है इनका वो है 2499 का। 3 प्लान आपको इनके मिडिल में देखने को मिल जाएंगे जो कि है 1199 के, और एक इनका सबसे छोटा प्लान है वो है 699 का। अब इन प्लान्स को हम डिटेल में देखते हैं। सो इनका जो सबसे बड़ा प्लान है वो है पावर प्ले, ये आपको पहले पड़ रहा था 2000 रुपए का, अब ये बढ़ के हो चुका है 2499 का। एंड टोटल इन्होंने इसमें 3 ओटीटी ऐप्स को ऐड किया है, तो अब टोटल मिलाकर आपको 15 ओटीटी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी पावर प्ले में। सो इसमें आपको सोनीलिव एंड Z5 जैसी ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगी जो कि ज्यादातर लोग देखते हैं। एंड अगेन, अगर आपको ये महंगा लग रहा हो तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है वो यूज करके। अब इनके 3 सब्सक्रिप्शन के साथ में बात करते हैं। पहले ही आपको पड़ रहे थे 1000 रुपीज के, बट प्राइस इंक्रीज के बाद अब आपको ये पड़ रहे हैं 1199 के। अब इनका झक्कास प्लान मुझे पहले भी वैल्यू फॉर मनी लगता था, अभी भी वैल्यू फॉर मनी है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सोनीलिव एंड Z5 दोनों ऐप्स देखने को मिल रही हैं, और इसका टोटल कॉस्ट आपको बैठ रहा है 1200 के आसपास। एंड अगर आप सोनीलिव एंड Z5 की कॉस्ट को देखोगे तो इससे कहीं ज़्यादा आती है। अगर आपको ये दोनों ओटीटी ऐप्स बाय करनी थी तो आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला ही है, आप आराम से इसमें बाय कर सकते हो। और इनके अलावा आपको 6 ओटीटी ऐप्स और भी देखने को मिल जाएंगे इसमें। और अगर आप रीजनल कंटेंट ज़्यादा देखते हो, साउथ इंडियन मूवीज ज़्यादा देखते हो, तो आपके लिए यहाँ पे सिंपली साउथ है। क्यों? क्योंकि इसमें सन नेक्स्ट है, सन नेक्स्ट में आपको काफी तगड़ा साउथ इंडियन मूवीज का कलेक्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ये परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप इंग्लिश कंटेंट ज्यादा देखते हो तो आपके लिए टोटली सॉर्टेड काफी बढ़िया रहेगा, इसमें आपको 8 ओटीटी ऐप देखने को मिल जाएंगी जो कि फोकस है एकदम इंग्लिश कंटेंट पे। सो आपके लिए काफी सही रहेगा ये। एंड जो इनका लास्ट प्लान है वो पड़ेगा आपको 699 का, ये आपको पहले पड़ रहा था 599 का, इसका नाम है छोटा पटाखा। अब ये उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा जो पहले से Z5 लेने की सोच रहे थे, क्योंकि इसमें आपको Z5 देखने को मिल रहा है और उसके साथ आपको 5 ओटीटी ऐप्स और देखने को मिल रही हैं, तो आपको काफी कंटेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा Z5 के साथ।
सो अगर आपको ज्यादा स्पेंड नहीं करना और Z5 आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है तो आपके लिए ये काफी सही रहेगा। सो गाइज इन दी एंड बात करते हैं, क्या OTT प्ले अभी भी वैल्यू फॉर मनी है प्राइस हाइक के बाद भी? क्या आपको लेना चाहिए? एंड लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए? सो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यस, ये अभी वैल्यू फॉर मनी है। आप इनका कोई सा ही प्लान उठाकर देख लो, अगर आप इंडिविजुअल ऐप लेने जाओगे वो सारी तो आपको महंगा ही पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो अगर आप इनके थ्रू लेते हो तो काफी बेनिफिशियल पड़ेगा आपको ये। एंड सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे अभी भी झक्कास प्लान ही लगता है, ये आपको पड़ेगा 1199 का। अगर आप 10% डिस्काउंट लगाओगे तो ये आपको 1080 का पड़ेगा। उस रेट में आपको सोनी लिफ एंड Z5 साथ में मिल रहे हैं। अगर आप इन्हें इंडिविजुअल भी लेने जाओगे तो सोनी लिफ की कॉस्ट आपको 1000 रुपये पड़ती है, एंड Z5 की एडिशनल ऐड करोगे तो 4K वाला वर्जन आपको 1500 का पड़ता है, तो टोटल यही आपको 2500 के पड़ेंगे। तो इसमें आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं, एंड एडिशनल आपको 6 OTT ऐप्स और भी देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से ये। एंड बाकी जो भी इनके प्लान्स हैं मुझे लगता है ये काफ़ी नीच ऑडियंस के लिए है। अगर आपको साउथ इंडियन मूवीज देखनी है तो आपके लिए सिंपली साउथ है, अगर आपको इंग्लिश कंटेंट देखना है तो टोटली सॉर्टेड है, एंड अगर आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना तो आपके लिए छोटा पटाखा है, एंड अगर आपको सारी OTT ऐप्स चाहिए कंप्लीट पैक चाहिए तो आपके लिए पावर प्ले है। सो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से आपके लिए कौन सा तगड़ा रहेगा। एंड OTT प्ले को आप अपने लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, अपने एंड्रॉइड फोन में एक्सेस कर सकते हो, अपने आईफोन में एक्सेस कर सकते हो, अपने एंड्रॉइड TV एंड फायर TV में भी इनकी ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। एंड जो भी कंटेंट ये देते हैं ये अल्ट्रा HD देते हैं, मतलब 4K कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो, एंड आप साइमल्टेनियसली दो डिवाइसेस में एक साथ स्ट्रीम कर सकते हो। सो गाइज आपको इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अगर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपके समझ में आते हैं कोई प्लान्स, अगर अच्छे लगते हैं तो आप बाय भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड मिल जाएगा आपको, वो यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।